हेलो गाइस, दिस इज़ लवन, ने सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC रतलाम। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिनोपैथीज़। देखो, ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसके जो अंदर सब टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार इन पर, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया और थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हीमोग्लोबिनोपैथीज़, ये चीज़ क्या है? तो एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो रहा है अगर ड्यू टू डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन सिंथेसिस, या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है ग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ग्लोबिन सिंथेसिस अफेक्टेड है, हीम सिंथेसिस नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? हीमोग्लोबिनोपैथीज। अब ये क्यों क्यों हो सकता है? तो इसके मेनली दो रीज़न है। पहला कि एबनॉर्मल चेन बन रही है, ग्लोबिन की वजह से एबनॉर्मल चेन बन रही है, और दूसरा है कि जो चेन बन रही है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, यानी सप्रेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दो रीजंस की वजह से जो है ग्लोबिन सिंथेसिस एबनॉर्मल रहेगा। ऑलराइट, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर आने वाली फर्स्ट डिजीज, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, और अपन उसका जो पार्ट है भी वो पढ़ रहे हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सिकल सेल है, इसका ओरिजिन हमें कहाँ देखने को मिला था? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। अब इसके अंदर होता क्या है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसके अंदर सिक्स्थ पोजीशन, बीटा ग्लोबिन चेन सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामेट की जगह पर क्या आ जाता है? वैलिन। ये आप पढ़ के आए, आपने नीट के टाइम से बहुत अच्छे से पढ़ के ही आए होंगे। तो ग्लूटामेट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? वैलिन। अब जब भी लो O2 कंडीशंस होंगी, यानी हाइपोक्सिया की तरफ हम बढ़ेंगे, तो लो O2 कंडीशंस या लो pH कंडीशंस, या ना ज़्यादा एसिडिक कंडीशन, तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन जो था HbS, ये लेस सॉल्यूबल हो जाता है। लेस सॉल्यूबल होगा, इसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टलाइज होने लगेगा। कहाँ क्रिस्टलाइज होगा? RBC जो है उसके अंदर ये क्रिस्टलाइज होगा, और RBC के अंदर जैसे ही ये क्रिस्टलाइज हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये एलोंगेट हो जाएंगे। देखो, जनरली RBC का शेप क्या होता है, ये बाइकॉनकेव है ना, एक क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ, और ये जब क्रिस्टलाइज होने लगेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक सिकल शेप। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन। फिर HbS इज लेस फ्लेक्सिबल, HbS इज लेस फ्लेक्सिबल, जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइज हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो खत्म ही हो रही है उसकी, तो इट्स लेस फ्लेक्सिबल। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉकेड ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन। ठीक है, अपना माइक्रो सर्कुलेशन जो है, छोटे छोटे आर्टीरियोल्स वेन्यूल्स हैं, इसके अंदर ब्लड नहीं फ्लो कर पाया प्रॉपरली, क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा उसको। नेक्स्ट, सिकल शेपेड सेल्स जो हैं वो ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? देखो, सिकल शेपेड सेल्स जो है, मान लो एक सेल ये हो गया, दो सेल ये हो गया, तो ये एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक होकर के और झुंड बना लेंगे और ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या एक ट्रेट हुआ इसका, कि सिकल शेपेड सेल्स जो हैं वो ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे और ब्लड के फ्लो को डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट, मोर फ्रेजाइल। देखो, एक चीज़ समझना, पहले वो क्या थे, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल थे, और अभी क्या हो गए, वो ब्रिटल नेचर में हो गए, यानी ऐसे हो गए कि उनके ऊपर एक हथौड़ा मारो तो टूट जाएं। तो नेचुरल सी बात है कि वो क्या है, बहुत फ्रेजाइल भी हो जाएंगे टूटने के लिए। ठीक है, ये जैसे ही टूटेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ RBCs इज नोन एज हीमोलाइसिस। ठीक है, तो ये इनकी फ्रिजिलिटी बढ़ी है तो हीमोलाइसिस भी बढ़ेगा, और ये जो हीमोलाइसिस हुआ है इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये जो डिजीज है ये अब आपको शायद समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अगली बात, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, नीट के टाइम पे ये भी पढ़ा होगा आपने, और हेटरोजाइगस है। अगर ये हेटरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक्सर्शन पे जनरली सिम्टम्स देखने मिलते हैं, पर अगर सिकल सेल ट्रेट प्रेजेंट है उस केस के अंदर क्या होगा कि रेजिस्टेंट देखने को मिले हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स मलेरिया के लिए हमें रेजिस्टेंट देखने को मिले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज थैलेसीमिया। अगली जो हमारी डिजीज है वो है थैलेसीमिया। अब ये क्यों हो रहा है थैलेसीमिया का, ये पहले तो एक और नाम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन एनीमिया। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, अब क्या कारण है? पहले तो अपन ने क्या देखा था, जो चेन की सिंथेसिस हो रही थी उसमें ही गड़बड़ थी, चेन ही गलत बन रही थी। नाउ ये क्वांटिटेटिव एक टाइप से डिजीज या डिसऑर्डर बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा चेन जो हैं अपना हीमोग्लोबिन के, उनका सिंथेसिस कम हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, थैलेसीमिया। नाउ कौन सी चेन के अंदर डिफेक्ट आया है, अल्फा या बीटा, उस बेस पे अपन ने इसको ब्रॉडली दो चीज़ में क्लासिफाई किया है, एक तो अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया आपको पता ही है क्या होगा, जिसमें अल्फा चेन का सिंथेसिस कम हो जाए। बीटा थैलेसीमिया क्या होगा, जिसमें बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो जाए। बट नाउ बीटा थैलेसीमिया को भी फर्दर अपन ने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, वन इज बीटा थैलेसीमिया मेजर, अनदर वन इज बीटा थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अपन देख लेते हैं दोनों में। देखो, बीटा थैलेसीमिया मेजर को अपन मेडिटेरेनियन और या फिर कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेजर वाला है, मेजर जो इश्यूज होते हैं वो क्या लेस कॉमन होते हैं ना, तो सिमिलरली इसको ऐसे याद सकते हो कि बीटा थैलेसीमिया में जो मेजर है वो लेस कॉमन है, जबकि माइनर मोर कॉमन है। नेक्स्ट,
अपना हिट्रोजाइगस ट्रांसमिशन होता है इसका, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। हिट्रोजाइगस ट्रांसमिशन बोला तो मैंने क्या इसका मतलब क्या हुआ, ये रेसेसिव ट्रेट हुआ, और यहाँ पर ये क्या डोमिनेंट ट्रेट हुआ, होमोजाइगस, ठीक है। देन बीटा चेन सिंथेसिस इज कम्प्लीटली एबसेंट, बीटा चेन बनेगा ही नहीं मेजर में, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ एक मेजर इशू। माइनर के अंदर क्या होगा कि थोड़ा बहुत बीटा चेन जो है बन जाएगा, तो पार्शियल एब्सेंस ऑफ बीटा चेन सिंथेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब बीटा चेन पूरी तरीके से बन ही नहीं रहा है तो हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर एनीमिया, और यहाँ पर थोड़ा बहुत बन रहा है इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर माइल्ड एनीमिया, ठीक है। अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो इस केस में मार्केटली इंक्रीज देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है या फिर हल्का फुल्का इंक्रीज रहेगा, ठीक है। नाउ लाइफ स्पैन की बात कर लें तो जो मेजर वाले हैं उनकी लाइफ स्पैन छोटी होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा बीटा चेन का सिंथेसिस गायब है, और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा लंबा लॉन्गर ये लोग सर्वाइव कर जाएंगे और अपने ऑफस्प्रिंग को ये चीज़ ट्रांसमिट करेंगे, क्यों कि तक, क्योंकि जो इनकी नॉर्मल लाइफ है या रिप्रोडक्टिव लाइफ तक के एटलीस्ट जिंदा रहेंगे, ये तो कितना जल्दी मर जा रहे हैं देखो 17 से 18 साल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई समझ में, तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने कॉलेज के अंदर, जो भी अपकमिंग बैच हैं जिनको अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है तो इसको प्लीज़ शेयर करो। आई विल बी स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट यूनिट, दो यूनिट्स अब पैरेलल चलेंगी, अभी अपन इसके साथ साथ CVS भी चालू करने वाले हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो से, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ओके। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।